सीन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर का, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गंगा, और गंगा में जाकर के स्नान करेंगे सबसे पहले। इधर बहुत सारे ऑटो खड़ी रहती है, और बाहर में यहाँ पे ऑटो रिक्शा से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी है, तो आप शेयर टैक्सी या तो फिर रिजर्व करके जा सकते हो। करके हम आ चुके हैं हर की पौरी घाट पे। यही घाट यहाँ पे फेमस है, और यह 2 किलोमीटर था रेलवे स्टेशन से। आज कपड़ा नहीं सूखने वाला सर। तो गाइस हम लोगों ने अब स्नान कर लिया है, और यहाँ पे साबुन वगैरह हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहा करके कपड़े एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे बॉक्स टाइप में बना हुआ है। आप यहाँ से लेकर उस साइड में भी बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इस बॉक्स टाइप में घर में बने हुए जैसे में जाकर के कपड़े बदल सकते हो। ये है कपड़ा एक्सचेंज करने वाला, इस साइड से आप अंदर में जाकर के अपने कपड़ा एक्सचेंज कर सकते हो नहा करके। और ये ब्यूटीफुल सीन हरिद्वार का, पुराने पुराने सिक्के यूके टू अन्ना वाली है। तो गाइस आज का हमारा प्लान है दिन भर हरिद्वार घूमने का, उसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना होंगे सीधे शाम में ऋषिकेश की ओर। दिन भर में जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। पुराने पुराने सिक्के इधर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इधर घूमने के बाद हम लोगों को लगा नहीं कि शाम तक बिता पाएंगे हरिद्वार में ही। नदी वगैरह घूम लेने के बाद हम आ चुके हैं रोड साइड में, इस साइड में नदी था, और अब इधर देखने को तो कुछ रह नहीं गया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से ऋषिकेश, तो ऋषिकेश निकलने का सोच रहे हैं। अब ऑटो का पता कर रहे हैं ऑटो वाले कितना लेंगे। देखो ऐसी ऐसी ऑटो जाती है, ये जा रही है ऋषिकेश। कितना कितना? तो इसी रेलवे फाटक के कारण से हम लोग अभी आधे घंटे से खड़ा थे वहां पे ट्रैफिक में। हुआ था कि हम 50-50 रुपए दे करके ऑटो रिक्शा से आए ऋषिकेश, फिर वहाँ पे हम लोगों ने 30-30 रुपए का हाफ हाफ प्लेट कड़ी चावल खाया, फिर 20-20 रुपए दे करके ऑटो से हम लोग आ चुके हैं राम झूला। और यहाँ से राम झूला दिख रहा उस साइड में, बहुत ही मस्त खूबसूरत पिक्चर्स भी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और इस साइड से नदी के किनारे से उस साइड जाने के लिए 40 रुपए किराया लग रहा है, आप जा सकते हो, या तो फिर राम झूला क्रॉस करके आप जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं राम झूला को क्रॉस करते हुए, उधर जाएंगे वापस पार होंगे, फिर उस साइड से होते हुए उधर एक कोई झूला है, नाम भूल गया मैं, उधर से क्रॉस होकर के फिर हम लोग कहीं जाएंगे आगे। नेक्स्ट प्लान वो झूला क्रॉस करने के बाद हम लोग बनाएंगे। इस सुंदर लोकेशन के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे है ये। ये कार पार्किंग जहाँ पे है ना उसके जस्ट नीचे यहाँ पे है, जस्ट इसके पीछे साइड में वहाँ पे कार पार्किंग होती है, तो वहां से नीचे आना है और फिर इस मजेदार व्यू का लुत्फ उठाना है। राम झूला क्रॉस करके हम चले गए जानकी ब्रिज के तरफ की ओर, और उस दौरान में बीच में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी मिले हमें, और मैन घाट भी मिला हमें देखने को। के बाद हमने जानकी ब्रिज क्रॉस किया और शमशान घाट में हमने थोड़ी देर विश्राम भी करी। चलो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, बैठेंगे थोड़ी देर, मस्त कुर्सी लगी हुई है। तो
सो हे गाइस, अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में ही और शाम को हमारे फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी, तो हम लोग आ गए थे एक होटल ढूंढते। हम लोगों ने एक रूम ढूंढा है और रूम में सारा सामान रख करके अभी 9:30 बजे हम लोग आए हुए डिनर करने के लिए, और ऋषिकेश में ही है। आज रात हम लोग यहीं पे बिता रहे हैं और हम लोगों ने टिकट भी करवा लिया है। कल सुबह 4:30 बजे है बस ऋषिकेश से सोनप्रयाग की, तो सुबह सुबह हम निकल जाएंगे 4:30 बजे मॉर्निंग में ही। अभी डिनर करके हम चले जाएंगे रूम, और रूम जाकर के आप लोगों को रूम भी दिखाऊंगा कैसे है और क्या है। बाकी अभी हम लोग डिनर में खा रहे थाली 70 रुपए में, 4 रोटी और चावल वगैरह है। क्या क्या है अभी आएगा तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। 60 रुपए में दाढ़ी भी बनाए बोल दो। 60 रुपया में 50 ना लिया रे। डिनर में हमारा ये आया हुआ है 4 रोटी, ऐसा 4 नान मिलेगा और रायता, इसमें से आलू गोभी की सब्जी है, दाल है और मटर आलू का सब्जी है, ये सलाद है, उसके ऊपर में तीखा लगने वाला है या फिर कोई चटनी है। ले भैया ओम हो। ये है जी रूम हमारा 500 में। शाम में आकर के हम लोग लेट गए थे और नींद इतना भयानक आ रही थी हम लोगों का। सबसे पहले तो हम लोगों ने 2-3 घंटे का नींद लिया। 8 बजे रात में हम लोग सूत करके उठे, उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल चार्ज वगैरह सारा तो लगा ही दिया था। फिर हम लोग उठ करके थोड़ा इधर उधर डेटा ट्रांसफर किया, फिर चले गए डिनर करने, और डिनर करके अभी आ चुके हैं हम लोग रूम। ये रूम हमारा 500 रुपये का पड़ा है, 250-250 रुपये में, दो कोई रहने पे बेनिफिट हो जाता है शेयरिंग करके। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। देखो उधर रावण जल रहा है वहाँ पे। धुआं धुआं दिख रहा है ना, धुआं धुआं हो गया, और उधर शादी हो रही है।